दोस्तों, जहाँ से कंटिन्यू किया था वहीं से शुरू करते हैं। चौथा, साइप्रिपेडियम कैलकेलस। साइप्रिपेडियम कैलकेलस नाम का ये जंगली ऑर्किड कभी पूरे यूरोप में मिलता था, लेकिन अब यह सिर्फ ब्रिटेन में होता है। पीले और जामुनी से रंग वाला ये फूल अब इतना दुर्लभ है कि इसकी एक डाली 5,000 अमेरिकी डॉलर और 3,35,749 में मिलती है। पांचवा, एमोरफोर्फेलस टाइटेनियम। दुनिया का सबसे खूबसूरत और दुर्लभ एमोरफोर्फेलस टाइटेनियम फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है। एक हफ्ते तक खिलने वाला यह फूल सड़े हुए जानवर जैसी बदबू फैलाता है। खिलने के बाद इसकी ऊंचाई 3 मीटर तक होती है। 7-8 सालों में यह फूल सिर्फ एक बार खिलता है। छठा, हिबिस्कस कोकियो। सूफ्लावर की प्रजाति वाला हिबिस्कस कोकियो फूल सिर्फ हवाई आइलैंड में मिलते हैं। 1950 में ये विलुप्त हो चुके थे, फिर 20 साल बाद कोकियो का एक पेड़ मिला। लाल से नारंगी रंग के फूलों वाला ये पौधा एक आगजन में खत्म हो जाता, लेकिन इसकी एक डाली बचा ली गई और इसे 23 अन्य पौधों में ग्राफ्ट किया गया। सातवा, स्ट्रोंगिलोडोन मैक्रोबोट्रिस। हल्के हरे रंग का स्ट्रोंगिलोडोन मैक्रोबोट्रिस एक तरह की लता है। पंजे के शेप वाले इसके फूल फिरोजी रंग के होते हैं। हालांकि इसका रंग नीले हरे से लेकर चटक हरे तक हो सकता है। ये फूल फिलीपींस के जंगलों में पाए जाते हैं और कटाई की वजह से खतरे में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।